एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि कल आपसे इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत ने केजरीवाल द्वारा उपयोग में लिए गए मुख्यमंत्री आवास को शीश महल कहा है। गहलोत ने दिल्ली सरकार के कामकाज पर भी प्रश्न उठाए हैं। सवाल उठाते हुए कैलाश गहलोत नजर आए। उन्होंने संदेह जताया है कि दिल्ली सरकार के इस रवैये से दिल्ली का विकास नहीं हो सकेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत द्वारा उन पर किए गए जुबानी हमले और इस्तीफे पर कोई भी सीधी टिप्पणी नहीं की है। कैलाश गहलोत मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते थे। हालांकि कल कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी कैलाश गहलोत भाजपा का दामन थाम चुके हैं? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से अटकन लगी हुई थी कि कैलाश गहलोत जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से उन्होंने कल आम आदमी पार्टी के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो इस्तीफा देने के बाद साथ ही उन्होंने इस तरीके से अटकन लगा दी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सबसे पहले जो है आम आदमी पार्टी के मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद पार्टी छोड़कर उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद तो कल से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर साध रखा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो आरोप लगाए थे कि गंगा यमुना की सफाई को लेकर और शीश महल को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी कैलाश गहलोत दे रहे थे, तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो बात की जाए तो दुष्यंत गौतम ने उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसको जो है दामन पहना के उनका स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी में। और उन्होंने कहा था मनोज तिवारी जो सांसद है दिल्ली से, उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रखा है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बेमानी की पार्टी है और भ्रष्टाचार की पार्टी है, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार कैलाश गहलोत बीजेपी। नितिन, सवाल ये उठता है क्योंकि कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी माने जाते हैं, रातों रात ये फैसला ले लिया गया। सवाल ये है कि क्या किसी दबाव में आकर कैलाश गहलोत ने ये फैसला लिया है भाजपा में शामिल होने का? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उस समय जेल से बाहर आए थे, तो जेल से बाहर आने के बाद जो है उन्होंने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं जब तक इस कुर्सी से नहीं बैठा हूँ, जब तक मैं ईमानदार जो है साबित ना हो जाऊँ जनता के बीच में। लगातार इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे वो जेल में गए थे। सबसे पहले जो है उनके जो है सतेंद्र जैन जो मंत्री थे उन्हें जेल में थे, उसके बाद संजय सिंह जेल में गए, फिर आम आदमी पार्टी के उप पूर्व डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया वो जेल में गए थे, फिर उसके बाद जो है पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल वो जेल में रहे। तो लगातार इस तरीके की जो ईडी और सीबीआई का जो जहाँ चल रहा था इनके ऊपर मुकदमे, तो उसको देखते हुए तो उन्होंने जो है 2024 में कैलाश गहलोत से भी जो है पूछताछ की गई थी, तो उसके बाद लगातार यही अड़चन लगाई जा रही थी। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि गहलोत की मर्जी है, जहां उनका मन करे वहां जाए, क्योंकि जिस तरीके से काफी करीबी ये लोग माने जाते हैं और मनीष सिसोदिया के काफी करीबी थे, ये दोनों ही नेताओं के काफी करीबी थे। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इन लोगों ने जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया था, नगरगढ़ से विधायक हैं, तो उसके बाद तो इनको जो है परिवहन मंत्री का चार्ज दिया गया था सरकार ने, लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो केजरीवाल ने अपने ही मंत्रालय इनको मंत्रालय दिए थे, तो उसके बाद अतिथि की सरकार आई तो सरकार में अतिथि ने भी इनको जो है परिवहन विभाग का चार्ज दिया था, तो उसको देखते हुए लगातार आम आदमी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल अब कैलाश गहलोत ने भी तमाम दबाव जो की प्रेशर में कहा जा रहा था की प्रेशर के तहत वो भाजपा का दामन थामे है, उन्होंने इन तमाम सवालों से इनकार कर दिया है। साफ तौर पर कहा उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, वो दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहते थे, इसलिए वो भाजपा में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही झांसी अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज 3 बजे करेंगे बैठक, चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ ये बैठक की जाएगी। झांसी कांड के बाद अग्निशमन मामले पर होगी ये बैठक, बैठक में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज 3 बजे बैठक करते हुए नजर आएंगे। झांसी के अग्निकांड में 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और सख्त कार्रवाई के भी निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा दिया गया।
और आज 3 बजे डिप्टी सीएम रितेश पाठक बैठक करते हुए नजर आएंगे। चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ ये बैठक की जाएगी। तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। झांसी कांड के बाद अग्निशमन मामले पर ये बैठक की जाएगी। बैठक में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो आज दोपहर 3 बजे डिप्टी सीएम रितेश पाठक बैठक करते हुए नजर आएंगे। झांसी अग्निकांड में 10 नवजात बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में है और आज डिप्टी सीएम रितेश पाठक 3 बजे बैठक करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में तमाम आला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के शिक्षा विभाग के मौजूद होंगे, जिन्हें डिप्टी सीएम रितेश पाठक निर्देश देते हुए नजर आएंगे। वही दिल्ली में वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल बढ़ा है, बुजुर्ग और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे क्योंकि हर राज्य में पराली जलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही। पूरे देश में जहां से पराली जलाने का डेटा कम आया है वो पंजाब है, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं। अगर पंजाब पराली जलाने का आंकड़े कम कर सकती है तो अन्य राज्य क्यों नहीं कम कर सकते? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था, किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो। आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस। बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर, 445 वहां का AQI। बल्लभगढ़ वेरी पुअर, 301। भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर वेरी पुअर 310। एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दुर्गपुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा। वहीं बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर को तोड़ने के मामले में अहम फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि क्या नोटिसें जारी करने से पहले वहां कोई सर्वे किया गया है या फिर नहीं। यूपी सरकार लखनऊ हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखती हुई, अपनी दलीलें रखती हुई नजर आई। तो बहराइच दंगे पर आज होगा फैसला और ये बेहद अहम फैसला, क्योंकि जिस तरीके से बहराइच हिंसा की आग पूरे देश को झकझोर के रख दी थी, ऐसे में आज बहराइच हिंसाकांड पर
ध्वस्तीकरण नोटिसों पर। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी सरकार अपना जवाब पेश करेगी, अपना पक्ष रखती हुई नजर आएगी। बहराइच मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तमाम सवाल हाई कोर्ट के द्वारा यूपी सरकार से पूछे गए हैं। तो बहराइच मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी, बेहद अहम ये सुनवाई बहराइच मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बहराइच की आग में प्रदेश की जनता झुलसती हुई नजर आई थी, उसके बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई होगी। तो तहसील के हरदी क्षेत्र में दंगा भड़काया गया था और इस हिंसा में एक युवक की मौत हो गई, गोली मारकर उस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आई। तो बहराइच मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। यूपी सरकार आज अपने पक्ष को रखती हुई नजर आएगी, अपनी दलीलें पेश करती हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में नजर आएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद ध्वस्तीकरण के नोटिसों को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, कितने बजे ये सुनवाई, क्या कुछ खास? जी बिल्कुल सुर्खी, अगर बात करें बहराइच में बुलडोजर चलाने के मामले की, तो आज मामले में सुनवाई जो है हुई और हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी। राज्य सरकार ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच के ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसकी सुनवाई अब आज चल गई है। हालांकि इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में काउंटर हलफनामा दाखिल कर दिया गया है और वहीं याचिकाकर्ता ने भी अपनी ओर से रिमाइंडर हलफनामा दाखिल करने का दावा किया है। फिलहाल अदालत के रिकॉर्ड पर रिमाइंडर हलफनामा उतना नहीं है और इस पर अदालत ने अपने कार्यालय को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल रिमाइंडर हलफनामे को रिकॉर्ड पर लगाया जाए और इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर की तारीख तय कर दी है। जी सुप्री, बिल्कुल, बहराइच दंगे में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी, ऐसे में आज सरकार के द्वारा क्या कुछ दलीलें दी गई? देखिए, अगर आज सरकार की तरफ से दलीलों की बात की गई तो इस मामले में आज हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच ने मामले की सुनवाई की गई और राज्य सरकार की ओर से मामले में काउंटर हलफनामा यानी कि जवाब दाखिल कर दिया गया है। जवाब के बाद ही आगे की चीजें नियत हो गई है कि आने वाले दिनों में जो मकान है, दुकान है, उस पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं, इस पर 27 नवंबर को फैसला आ सकता है। हालांकि यह हाई प्रोफाइल मामला है और इस पर सभी की नजरें गड़ी हुई है कि बहराइच में 13 अक्टूबर को जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हुई राम गोपाल, बिल्कुल अब 27 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा आसिफ की अगली सुनवाई में क्या कुछ फैसले निकल कर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं गुप्त काशी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी गुप्त काशी की बाइक रैली में शामिल हुए हैं। केदारनाथ विधानसभा में आयोजित बाइक रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होना है, उससे पहले लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भाजपा के द्वारा की जा रही है और ऐसे में बाइक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं, कई कार्यकर्ता, और उनका जोश उफान पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव को लेकर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा में ये बाइक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। 20 नवंबर को
मतदान होना है, यानी कि मात्र एक दिन बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी, और मतदान के एक दिन पहले इस तरीके से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। 20 नवंबर को चुनाव है, गुप्त काशी की सीधे ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप अभी देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बाइक रैली में शामिल हुए हैं और कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर है, सभी का जोश हाई है, तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को भी देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, सुदृढ़ किया गया है। तो कार्यकर्ताओं का हुजूम आप सीएम पुष्कर सिंह धामी के पीछे देख सकते हैं, किस तरीके से उनका जोश आई है। गुप्तकाशी में बाइक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। तो केदारनाथ विधानसभा में इस बाइक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार्यकर्ताओं का जोश आई है। 20 नवंबर को मतदान होना है, आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, और ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियों का ये दौर लगातार जारी है। जनता के सामने वोट की अपील करते हुए सभी दिग्गज नेता और दिग्गज पार्टियां नजर आए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।